अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई सी इंडियन स्वीट डिश के साथ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी गहवर। गहवर इंडियन स्वीट डिश है जो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं बनता है, नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा इसको ज़रूर ट्राई करूँ। तो इसमें देखें हमें कितना ज़बरदस्त ये स्वीट डिश है। अगर इसको आप मीठा भी आपको अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें मैंने शीरे का इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि इसमें शीरा डलता है बिल्कुल। तो चलें इसकी रेसिपी की तरफ, इसको किस तरीके से हमने ऐड किया, बहुत ही ईजीली, बहुत आसान। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये एक सॉस पैन ले लिया। रबड़ी बनाने के लिए हम इसमें रखेंगे कम से कम 2 kg दूध हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे। अब इसको हम फुल फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखें दूध जो है पकना शुरू हो गया है। इसको हम ये जो साइड से इसके एजेस आ रहा है, इसको इस तरीके से हम पकाते जाएंगे। ये बहुत अच्छी जो है रबड़ी बनके तैयार होगी जब दूध गाढ़ा हो जाएगा। इसी तरह हम इसमें चमचा चलाते जाएंगे। ये देखें काफ़ी देर से अच्छी तरीके से पक गया। ये 1 घंटे तक मैंने इसी तरीके से इसको बनाया है, पकाती रही, और इसके लम्स भी बन गए हैं और रबड़ी हमारी बढ़िया सी मज़ेदार सी रबड़ी रेडी हो गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, चीनी हम बहुत कम ऐड करेंगे। मैंने 1 डिश स्पून ऐड की है। और अगर अभी मुझे लगता है कि ये मीठे में कम होगी, लेकिन इसका बहुत लाइट मीठा रखेंगे, तो हम 1 डिश स्पून और ऐड कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रबड़ी रेडी हो गई है हमारी। अब इसमें मैंने इलायची जो है 5 से 6 पीस के रखी है, वो ऐड कर दूंगी। और ये मेरी रबड़ी अच्छी तरीके से रेडी हो गई है, देखें मज़ेदार सी ये। बगैर हमने इसमें सूजी ऐड की है, प्योर मिल्क के साथ, डेयरी मिल्क के साथ हमने रेडी की है ये। हमने थोड़ा सा जो चीनी ऐड की थी उसका पानी खुश करूँगी, उसके बाद इसको फ्लेम ऑफ करके रेडी बिल्कुल फिर मैं इसको सर्व करूँगी। लम्स देखें कितने अच्छे बने हैं, रबड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त। ये देखें ये 2 kg से मैंने बनाई है, 2 kg मिल्क से मैंने बनाई है रबड़ी। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, रेडी है हमारी रबड़ी। इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। चाहे इसमें नट्स वगैरह डाल दें, पिस्ता, बादाम वगैरह बारीक, जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर लें इसके अंदर। और ऐसे ही सादी पसंद है तो सादा खाएं। अब हम घेवर बनाना स्टार्ट करेंगे। घेवर बनाने के लिए मैंने 3 टेबल स्पून घी ले लिया है बिल्कुल गर्म करके। ये देखिए ये मैंने बहुत गर्म कर लिया है, गर्म लेना है। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक बर्फ़ का बर्फ़ ऐड कर देंगे इसमें।
और इस तरीके से हम इसका बटर निकालेंगे। ये देखें, एक ही सिमत में इसको हम करेंगे राउंड शेप में। इस तरीके से इसका हम सारा बटर निकाल लेंगे घी का। बिल्कुल क्रीमी सा हो जाएगा ये, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है। ये देखें, मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ घेवर। ये इंडियन डिश है तो ये पाकिस्तान में बहुत कम बनता है, बहुत ही कम बनता है, कहीं आपको कहीं नज़र आएगा। वहाँ और जब ये अच्छी तरीके से सिमट जाए, सारा हो जाए, इसका मक्खन देखिए कितना मुलायम सा निकलना शुरू हो गया, तो अब इसका ये सारा पानी डिस्कार्ड कर देंगे, पानी इसमें से निकाल देंगे सारा। सारा जो है घी से हमने माजरे निकाल लिया है। अब हम बर्फ़ निकाल देंगे इसके ऊपर से। ये सारा पानी भी निकाल देंगे इसका। पानी इसका हमने सारा निकाल के अलग कर दिया। ये देखें, अब इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से हम, जैसे इतना फ्लफी सा ये हो गया है। अब इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। वन फोर्थ कप। थोड़ा थोड़ा मैदा भी ऐड करते जाएंगे। एक कप हमने मैदा लिया है इसमें, ताकि इसमें लम्स ना बने। कहते हैं कि बटर जो है, ये इसका जो हमने बटर बनाया था, वो और मैदा गर्म होकर अलग अलग ना हो जाए, इसलिए इसको हम चिल रखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, कर देंगे इसका बेसन से जो टेस्ट अच्छा आता है, उसका क्रंच अच्छा बनता है। अब ये देखिए, हम इसमें चिल वाटर डाल देंगे, ऐड करते जाएंगे। बिल्कुल दूध की तरह पतला बनाएंगे हम इसको, जितना ये पतला होगा उतना अच्छा बनेगा। ये
घेवर बनाने के लिए हमें इसका मोल्ड मिलता है, लेकिन मोल्ड जो है ऐसा अवेलेबल नहीं है। तो मैंने इस टाइप के हमने गोल बनाना है, तो मैंने उसी हिसाब से एक बर्तन ले लिया, भगोना ले लिया, ये देगची कह लें, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा जो है ऑयल को जो है बहुत प्री हीट कर लिया है, अच्छी तरह गर्म हो जाएगा। गर्म ऑयल में हम डालेंगे घेवर तो ये उबल के एकदम से ऊपर आएगा, अच्छी तरह गर्म हो जाए ऑयल तो फिर हम डालते हैं। हम ऑयल कितना गर्म हो गया चेक कर लेते हैं, ये देखें ज़बरदस्त ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। इसी एक खोल में हम दोबारा से ऐड करेंगे, मैं फ़र्स्ट टाइम ये घेवर बना रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, फ़र्स्ट टाइम मैं ये ट्राई कर रही हूँ, कभी बनाया नहीं है। देखें पहला घेवर कैसा बनता है, ये देखें अच्छी तरह से गया है, इसको मैं उठा के देखूँगी, ये देखें मज़ेदार सा घेवर जो मेरा बना है, फर्स्ट ट्राई था उसके हिसाब से बहुत अच्छा बना है। इसको मैं इधर रख दूँगी इसका, ये देखें फर्स्ट मैंने बनाया, मैं सेकंड ट्राई करती हूँ कैसा बनता है। देखें खुद ब खुद ही इसमें होल बन गया है, और ये फर्स्ट टाइम मैंने ये घेवर बनाया, लेकिन आप इसकी जाली चेक करें कितनी ज़बरदस्त इसकी जाली बनी है। ये देखें अब इसमें जो है, इसमें हम शीरा भी बना के ऐड करते हैं, लेकिन मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है, मुझे शीरे वाला बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बगैर शीरे का मैं बनाऊंगी। ये जो मैंने रबड़ी बनाई थी वो इसके ऊपर लगा दूंगी, अब इस पे जो है हम थोड़े से जो है बादाम पिस्ता जो भी इस पे ऐड करना चाहें, नट्स वगैरह ऐड कर देंगे। ये देखें ज़बरदस्त ये घेवर रेडी है, बहुत मज़ेदार। आप ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।